पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। सबसे अधिक वर्षा महेंद्रगढ़ जो गजपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 6.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है, और ज्यादातर वर्षा जो साउथ कोस्ट उड़ीसा में ही दर्ज हुई है। उसके अलावा बात करें फुलवानी में लोएस्ट मिनिमम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और कोरापुट हिल स्टेशन 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का मिनिमम तापमान 21.4 और कटक का 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाकी जो अभी भी तापमान जो है अबव नॉर्मल चल रहे, सामान्य से अबव चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तापमान थोड़ी राहत है पहले की बजाय गिरावट आने की वजह से। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो कोई सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, तो कल वाला जो छत्तीसगढ़ के वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी वो अभी कमजोर पड़ गई है, लेसमा पड़ गई है, लेकिन जो एंटी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बैठा हुआ है उसकी वजह से मॉइस्चर इंकर्शन हो रही है और आपका जो नॉर्थ है जो विंड आ रही है वहां पे दोनों की इंटरेक्शन की वजह से क्लाउड वगैरह डेवलप हो रहे हैं। तो 7 डे के वेदर में आज डे वन में हमारा नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा पूरा मयूरभंज, केन्द्र, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकला, नयागढ़, खुर्दा, पुरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है एक दो स्थानों पर। 25 तारीख को भी हमारा नॉर्थ उड़ीसा और साउथ कोस्ट उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक दो स्थान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 26 तारीख को हमारे इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट नुआपाड़ा, बोलांगी, सोनपुर, बारगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़ इन जगहों पे एक दो स्थान पे हल्की वर्षा होने की संभावना है। 27 तारीख को सुंदरगढ़, केन्द्र, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकनाल और आपका जो नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा है यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 5 टू डे 7 28 से 1 तारीख तक बीच में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अगर बात करें मिनिमम तापमान की तो मिनिमम तापमान में अगले 4-5 दिन में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। भुवनेश्वर में जो तापमान है मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और मिनिमम भी 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।